नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक और बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है एसएससी की तरफ से। थोड़े समय पहले एसएससी की तरफ से फेस 12 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिला था, उसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया था कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। अब यहां पर एसएससी की तरफ से एक और बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जी हां, एसआई की भर्ती, ध्यान रखें एसआई भी कौन कौन सी, ध्यान रखें दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ, ध्यान रखें इसमें नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है यहां पर भैया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। यहां पर एसआई की एक पोस्ट होती है, इसकी योग्यता अलग अलग होती है। ध्यान रखें दिल्ली पुलिस में एसआई बनेंगे तो उसके लिए अलग पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है, सीएपीएफ के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। 4,187 पोस्ट होने वाली है, बहुत शानदार वैकेंसी है। एक सैलरी की बात कर लेता हूं, यहाँ पे देखो 35,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। दूसरा बात बताऊं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दिल्ली रहेगा आपका, ध्यान रखे जॉब लोकेशन, लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा, ध्यान रखे यहाँ पे पूरे भारत में आपका कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। फॉर्म की बात करते हैं, 4 मार्च से 28 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इसका कंप्लीट डिटेल्स जो कि पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, वहां से देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखें एग्जाम डेट आपके सामने है, देखो दो एग्जाम होते हैं भैया इसमें, सीधा सा इंपॉर्टेंट है कि पहला एग्जाम आपका 9, 10, 13 मई 2024 को होने वाला है, ध्यान रखें, और सेकंड एग्जाम की इसके बाद में डेट्स रहेंगी क्योंकि बीच में इसमें फिजिकल होता है, ध्यान रखें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ध्यान रखें सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, किस हिसाब से आपका फिजिकल रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कौन भर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए ध्यान रखें यहाँ पे 100 रुपए रहेगा, ऑल फीमेल 0 है, ध्यान रखें, और एससी एसटी कैंडिडेट ऑल फीमेल के लिए भी 00 रुपए, और ध्यान रखें एससी एसटी के लिए भी 00 रुपए, ध्यान रखें कोई रुपए नहीं लगेगा। फॉर्म जरूर लगाना है, ध्यान रखें अच्छी वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर 1/8/2024 तक आपकी आयु 20 से 25 साल हो जानी चाहिए, यानी मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और जो मैक्सिमम में छूट देखने को मिलती है जिन कैटेगरी को, ध्यान रखें वो इसमें लागू रहेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शेयर कर देता हूं, उसमें आपकी कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना, ध्यान रखें किसके मैक्सिमम में कितनी छूट देखने को मिलती है। एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, बाकी का और को भी छूट देखने को मिलती है, एक सर्विस मैन को भी देखने को मिलती है, वो पीडीएफ में देखने को मिलेगा। कौन भर सकता है फॉर्म, सवाल निकल के आता है कि वैकेंसी है, इतने पदों पर है, लेकिन यहां पे इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट भैया देखो यहां पे दो चीजें दी, एंड लगा हुआ है, ध्यान रखे ना, ये यहां पे लिख देता हूं मैं क्लियर, ठीक है, एंड लगा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस में अगर आप एसआई के लिए ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखे यहां पे फॉर्म भरना चाहते हैं इसके लिए, तो आपको क्या है भैया, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ में क्या चाहिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखे इसमें फॉर्म में ही मांगा गया, ध्यान रखे। तो दिल्ली पुलिस वाले के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ध्यान रखे, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वाले के लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ध्यान रखे इसमें कोई भी आपको ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कुछ भी नहीं कहा गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, ध्यान रखे आप पढ़ सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसकी पोस्ट पे आवेदन करते हैं आप तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर इन पे आवेदन करते हैं तो ध्यान रखे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल से रिलेटेड, देखो क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया, ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पे दो अलग अलग क्वालिफिकेशन दोनों के लिए अलग अलग होने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल से रिलेटेड बातें, देखो फिजिकल के सामने देख लीजिए भैया, आपको देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, किस हिसाब से आपकी रहने वाली है इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी, ध्यान रखें मेल और फीमेल से रिलेटेड आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ध्यान रखें हाइट, चेस्ट, रेस, टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ध्यान रखें, और चांस, इन सभी के बारे में बात की गई। ऊपर मेल का दिया हुआ है, फिर उसके बाद में मेल एसटी का दिया हुआ है, ध्यान रखें, फिर फीमेल का दिया हुआ है। तो मेल के लिए ध्यान रखें हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए भैया, और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एससी वालों को 157 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि एसटी के लिए ध्यान रखें यहाँ पर मेल के लिए 162.5 और जबकि फीमेल एसटी के लिए 154 आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसको समझ लेना ध्यान रखें। बात करते हैं फिजिकल के बाद में सिलेबस और पैटर्न की, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यह पेपर लगेगा, ठीक है, फिर फिजिकल होगा, ध्यान रखें फिजिकल इंडोर टेस्ट जो होता है वो रहेगा, ध्यान रखें, उसके बाद में आपका पेपर टू होने वाला है, जो फिजिकल वगैरह इन सब में पास हो जाएंगे उसके बाद में पेपर टू रहेगा, ध्यान रखें इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। दूसरा आपको एक चीज और बता दूं भैया, यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग नहीं होता है, ध्यान रखिए पेपर इसमें क्या होता है कि इसके नंबर है ना, इसमें जो नंबर आएंगे वो आपके जुड़ते हैं भैया, ध्यान रखें आपके फाइनल मेरिट में, इसलिए अच्छा स्कोर करना है हर पेपर में आपको, अच्छा स्कोर करना है, ध्यान रखें। इसमें भी पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो भैया
यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के लिए दिए हुए हैं। जनरल इंटेलिजेंस आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इस तरीके से 2 घंटे का पेपर रहेगा। ध्यान रखें पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ध्यान रखें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा बात करूं पेपर सेकंड किसका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपका रहेगा। ध्यान रखें 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो ये अपडेट है इससे रिलेटेड। और एक चीज आपको और बता दे तो भैया, एनसीसी वालों को यहाँ पे फायदा देखने को मिलता है। एनसीसी के सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2024 से पहले के जारी हुए होने चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो भैया 10 नंबर का फायदा मिलता है। ध्यान रखें एनसीसी बी है तो 6 नंबर का फायदा मिलता है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर का फायदा मिलता है। इस तरीके से डिटेल्स दी हुई है, ऑफिशियल पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन था, मैंने बता दिया। ध्यान रखें अगर आपका ग्रेजुएशन है बिल्कुल अप्लाई कीजिए। यहाँ पे नहीं करना चाहते, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भैया यहाँ पे नहीं बैठ रहा तो यहाँ पे जरूर करो। आपको नौकरी चाहिए, कहीं पे मिले, पूरे भारत में कहीं पे नौकरी करनी पड़े, आपको नौकरी होनी चाहिए। ध्यान रखें आज के समय इतना कंपटीशन है। एक शानदार वैकेंसी वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत अच्छी पोस्ट होने वाली है, एसआई की पोस्ट है भैया। ध्यान रखें सब इंस्पेक्टर की तो शानदार पोस्ट है, शानदार वैकेंसी है, शानदार डिपार्टमेंट करवा रहा है। शानदार तैयारी करके शानदार नौकरी आजमा लीजिए। ध्यान रखें जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आने वाले समय में चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।